खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ की वृहद जिला कार्य समिति बैठक हनुमानगढ़ टाउन से जीएम रिजॉर्ट में जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया। सभी हनुमानगढ़ जिले के हमारे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि बहुत समय के बाद एक ऐतिहासिक जिला कार्य समिति हुई है और उसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व से हमारी प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद बहन संतोष अहलावत जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भाई सरवण बगड़ी जी पधारे हैं और निश्चित रूप से हमारे सभी पूर्व सांसद, हमारी सांसद प्रत्याशी, हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी हमारे प्रत्याशी और पार्टी के जिले के सभी महत्वपूर्ण सभी मोर्चों के जिला अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य समिति आज हुई है और इसमें हमने जो भी राजनीतिक प्रस्ताव लिया है, बजट पे जो प्रस्ताव लिया है और क्षेत्र और जिले के विकास के लिए जो प्रस्ताव लिया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में हमारे मंडलों की कार्य समितियां भी होगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम क्षेत्र का और एरिया का विकास करवाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की कार्य समिति माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में 13 जुलाई को प्रदेश के अंदर बृहद कार्य समिति हुई, उसके बाद में सभी जिलों में अभी हमारी कार्य समितियाँ, जिला कार्य समितियाँ चल रही है और इसी के तहत आज हनुमानगढ़ जिला कार्य समिति में यहाँ आने का प्रवास बना है। निश्चित रूप से अभी आप देख रहे होंगे कि जिले की वृहद कार्य समिति है, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पे विराजमान है और इस कार्य समिति के अंदर अनेक प्रस्ताव, जैसे राजनीतिक प्रस्ताव या मोदी जी के तीसरी बार बनने पर अभिनंदन प्रस्ताव, इस तरीके से प्रस्ताव और अनुमोदन और जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 महीने में हुए हैं, इन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा और आने वाले कार्यक्रम और अभियान की रूपरेखा इस कार्य समिति में सभी कार्यकर्ता एक परिवार के रूप में बैठ के यहाँ पे आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। इस प्रकार से इस कार्य समिति का समापन होगा। 13 जुलाई को प्रदेश की वृहद कार्य समिति होने के बाद जहां 8000 भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था, अब प्रदेश जिले में जिला कार्य समिति की बैठकें हो रही हैं और मंडल तक हम ये बैठकें करेंगे। इस समय प्रदेश में और देश में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार में होने वाले कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुँचाया जाए ताकि उनको लाभ मिल सके। अनेक योजनाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनका लाभ असल में उस जरूरतमंद कार्यकर्ता को नहीं मिल पाता है। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे कल्याणकारी बजट को भी वहां तक हम पहुंचाएं, हमारी योजनाओं को भी वहां तक पहुंचाएं, ताकि हर अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। कई बार आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते हैं, कारण अनेक रहते हैं, उसके समीक्षा हो चुकी है और जो खामियां कमियां हमारी रही हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। और आप यकीन कीजिए कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, युवाओं, महिलाओं, किसानों की सुध ले रही है, जिस प्रकार करप्शन पर लगाम लगाने के लिए SIT गठित हो रही है, विश्वास जमा है लोगों का। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में देश की सत्ता सौंपी है, प्रदेश की सरकार भी हमारी काफ़ी अच्छा काम करें, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वदन लाल जी, क्योंकि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनको कठिनाइयों और दिक्कतों का पता है, तो आने वाले जो शंका आप व्यक्त करते हैं निकाय और लोकल बॉडी के चुनाव में, उसमें सब लोग जुड़ के सरकार का फायदा उठाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करें। देखिए, मेरे पास बहुत सारे हनुमानगढ़ की समस्याओं की जानकारी आई है। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी की टीम एक जयपुर आएगी, एक डेलीगेशन आएगा और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हनुमानगढ़ की तमाम समस्याओं की चर्चा करके जो तुरंत निवारण हो गए उनका तुरंत निवारण होगा और जो दूरगामी कोई बातें हैं उनके पर भी बात हो।